Z2 Pro। हाँ गाइज, आप लोगों को यहाँ पर पता है गाइज, वीवो का Z1 Pro आया था तो भाई इतना हिट फोन था। अब आने वाला है यहीं पे वीवो का Z2 Pro, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी नए स्मार्टफोन के बारे में, वीवो के Z2 Pro के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आज का वीडियो स्टार्ट कर। यहाँ पे ये जो वीवो का नया स्मार्टफोन आने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो का Z2 Pro, इसमें यार बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन होगी। मतलब वीवो के Z1 Pro में भी थी, और मुझे तो भाई वीवो का Z1 Pro एक बहुत बढ़िया फोन लगा था एज अ प्राइस, और अभी भी है, मतलब अच्छा प्राइस है अभी भी, मतलब अगर कुछ देखें तो अब उससे बेहतर बेहतर फोन मार्केट में है, तो अब इसलिए हम उसे इतना नहीं बोल सकते, बट हाँ अच्छा फोन था। तो अब बात कर ली जाए फाइनली इस नए फोन के बारे में, तो कैसा फोन होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस फोन की हमें स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि क्या फोन की स्पेसिफिकेशन होगी, मतलब क्या होगा फोन में, और फिर बाद में बात करेंगे कि कब मिलेगा, कब आएगा, किस प्राइस के साथ आएगा, वो आगे बात की जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं डिजाइन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें डिजाइन इस बार ग्लास बॉडी मिलेगा। हाँ मतलब आपको पता है वीवो के Z1 Pro में हमें एक बहुत बड़ा कंप्लेन था कि भाई यहाँ पे आपने एक प्लास्टिक बिल्ड दी थी, जो लुक ठीक था बट प्लास्टिक बिल्ड था, तो वो अलग ही लुक आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता प्लास्टिक बॉडी चलाने में इन हैंड, तो वो अलग ही हमने कंप्लेन की थी। तो अब इस कंप्लेन को वीवो ने भाई अच्छी मान के वीवो Z2 Pro में आपको एक अच्छी ग्लास बॉडी मिलेगी, और अच्छा डिजाइन आपको देखने मिलने वाला है वीवो के Z2 Pro में। वही बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में गाइज, यहाँ पे मिलने वाला है 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले, जो सुपर एमोलेड पैनल होगा और सेंटर में पंच होल होगी। हाँ गाइज, 2020 में ये सेंटर का पंच होल जो है ना, ये बहुत चलने वाला है। तो आप लोगों को पसंद नहीं है सेंटर में पंच होल, तो 2020 में तो भाई बहुत चलेगा, ये बात आप लोग जरूर से ध्यान में रख लीजिए। तो डिस्प्ले आप बोल सकते हैं एक सुपर एमोलेड एंड डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक डिस्प्ले मुझे इस फोन का बहुत बहुत अच्छा लगा। वही बात कर ली जाए इस फोन की चिपसेट के बारे में, तो यहाँ पे मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 730G, जो आपको खुद पता है कि स्नैपड्रैगन 730G अंडर ये 15,000 के बजट में आता है। तो आई थिंक 15,000 में स्नैपड्रैगन 730G एक अलग ही लेवल है, और बहुत बढ़िया बात है, जो हमें रियलमी ने भी नहीं दिया वो अब वीवो करने वाला है। और लास्ट हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें भाई वीवो अब बहुत आगे आ गया है, और वीवो की मार्केटिंग, क्योंकि वीवो ने जब से अपने बजट सेगमेंट में भी थोड़ा काम करना चालू किया अच्छा, तो बढ़ गए, तो पहले से वैसे चलते थे मगर अब तो और चल रहे हैं, क्योंकि अब प्राइस भी सही रख रहे हैं, स्पेसिफिक भी थोड़ी अच्छी आ गई, तो स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, तो इसलिए दैट्स व्हाई। तो अब बात कर ली जाए इस फोन के यहाँ पे गाइज कैमरास के बारे में, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे क्वाड कैमरास गाइज, एक्सपेक्ट मत करिएगा 108 मेगापिक्सल, हाँ 64 मेगापिक्सल मिलने वाला है मेन कैमरा, देन उसके साथ आपको अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, मतलब दुनिया की कहानी आजकल आ रही है कैमराज में, वो मिलने वाले हैं आपको इस फोन के अंदर। सेल्फी कैमरा में बात करता हूँ, सेल्फी कैमरा में जैसे होता है सेंटर में पंच होल होगी, तो 32 मेगापिक्सल की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है, बिकॉज आपको पता है कि सेल्फी के मामले में भाई वीवो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वीवो बहुत बढ़िया काम करता है, तो देखते हैं भाई कितना कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और वीवो कितना अच्छा कैमरा इसमें देता है, हमें प्रोवाइड करता है। तो लेट्स सी, बात करते हैं बैटरी के बारे में गाइस, इस बार हमें फिर से 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, पिछले बार भी मिली थी वीवो के Z1 Pro में, इस बार भी 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी भी होगा, और इस बार फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी हमें मिल जाने वाला है कंपनी की तरफ से, तो आई एम वेरी हैप्पी। आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके बताओ। तो बहुत है ये पूरा गाइस वीवो का Z2 Pro, एंड डेफिनेटली वीवो ने ये बहुत ही काम अच्छा किया है, और आई थिंक पर्सनली वीवो पहले से एक बहुत बढ़िया ब्रांड बन गया है, जब से उन्होंने अपनी ये Z सीरीज लाई, S सीरीज भी आई थिंक ठीक ठाक थी, तो वीवो एक बहुत बढ़िया ब्रांड बनता जा रहा है। बट अभी थोड़े और इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है वीवो को, UI नया आ जाए ना तो भाई बढ़िया मजा आने वाली है। तो बस ये है पूरा वीवो का Z2 Pro, आप मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों के क्या थॉट्स थे इस वीवो के Z2 Pro के रिगार्डिंग। मैंने तो पूरा शेयर कर ही दिया है वीडियो आप लोगों के साथ। प्राइस के बारे में बात कर लूँ लास्ट ऑफ ऑल, 15,000 की होगी, उसके बाद लॉन्च रेट में बात करेंगे, 15,000 के नीचे ही आने वाला है, तो आप बोल सकते हैं 15,000 इट्स वेल इनफ फॉर दिस फोन, 15,000 में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। अब बात कर ली जाए लॉन्च डेट के बारे में, तो ये लॉन्च डेट होने वाला है, अब नहीं पता, मतलब कंफर्मेशन नहीं आई मेरे भाई, अब ये फोन हो सकता है कि मार्च में मिल जाए, ये तो अप्रैल में मिल जाए, बट जल्द से जल्द आए तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो बस गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई यार तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर से कर लेना, मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट आप लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाले हैं। तो बस मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।